पाकिस्तान की हॉकी वर्ल्ड कप विजेता टीम के गोलकीपर रहे मंसूर अहमद इन दिनों दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसी वजह से मंसूर अहमद अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, वो भी भारत में। इसी वजह से उन्होंने बीते सोमवार भारत सरकार और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 49 वर्षीय गोलकीपर लंबे समय से बीमार है। मंसूर ने मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा, आज जब जमाने में हम हॉकी खेलते थे तो पूरे इंडियन कॉम के मैंने दिल तोड़े, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया से छीन के लेके आया हूँ। इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, एशिया कप है, उससे पहले वर्ल्ड कप भी हमने वहाँ जीता, एशियन गेम्स भी जीती। आज वो मौका गया, मुझे हार्ट की ज़रूरत है और मुझे सपोर्ट चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की खासकर, और सुषमा जो हैं उनके वित्तीय खर्चे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरा प्रोसेस किया जाए ताकि मैं आ सकूं और उसके साथ अपनी पुरानी यादें जो हैं वो बहाल कर सकूं, जिनमें धनराज पिल्ले से मिलने का बहुत शौक है। दिलीप ठरकी मेरी कोचिंग में खेल चुका है, यहाँ पाकिस्तान की जो फर्स्ट लीग हुई थी, मुझे उम्मीद है कि आज आप मुझे अपना दिल देते हैं। गौरतलब है कि मंसूर अहमद ने लगभग एक दशक तक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 338 मैच खेले थे। सिडनी में 1994 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और 1992 में उनके हिस्से में कांस्य पदक आया। अटलांटा ओलंपिक में वह पाकिस्तान के फ्लैग बियरर रहे। 1994 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब दिया था, लेकिन 2008 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच केवल एक सीरीज खेली गई,